सिंगरौली में कांग्रेस संगठन प्रभारी अनिल सिंह चंदेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि महापौर और पार्षद प्रत्याशी के लिए अभी प्रदेश कांग्रेस से कोई पत्र नहीं आया है और इसको लेकर किसी भी विवाद से बचें। इसके साथ ही अपने क्षेत्र में मतदाताओं के नाम जुड़वाने का कार्य करें। कांग्रेस संगठन प्रभारी अनिल सिंह चंदेल ने सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं व पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति महापौर व पार्षद प्रत्याशी पद के लिए रायशुमारी न करे। साथ ही इस संबंध में कोई भी पदाधिकारी प्रेस वार्ता से बचे, इससे आपस में विवाद पैदा हो सकता है। प्रदेश संगठन से जो पत्र आया है उसमें लिखा है कि शहर व ग्रामीण कांग्रेस के सभी पदाधिकारी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का नाम जुड़वाएं। प्रदेश कार्यालय से जैसे ही कोई आदेश आएगा उसके बाद पार्षद प्रत्याशियों का चयन होगा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा नाम घोषित किए जाएंगे। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पत्र क्रमांक 1735/20 दिनांक 1/12/2020 को संगठन प्रभारी के हैसियत से प्राप्त हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि आगामी 25 तारीख को जो लोग 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लिए हैं उनकी मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे कांग्रेस पक्ष के वर्तमान पूर्व पार्षद और उस वार्डों के सम्मानित जो वरिष्ठ नेता हैं उनका सहयोग लिया जाए, मार्गदर्शन लिया जाए, नाम जोड़वाने की प्रक्रिया लिखी जाए। रही बात नगर पालिक निगम के पार्षद और महापौर के संबंध में, तो स्पष्ट निर्देश हैं कि क्षेत्र में या वार्डों में घूमकर इस तरह की कोई चर्चा न किया जाए जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बाधग्रस्त की स्थिति निर्मित हो। और जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली के माननीय अध्यक्ष तिलकराज सिंह पूर्व सांसद एवं हमारे सहज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह जी, सभी लोग आपसी सामंजस्य के तहत ही नगर निगम में दौरा के दरमियान वार्ड पार्षद और महापौर के कर्मठ प्रत्याशी का चयन करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।